2018 फरिंदा चीन मेला कमेटी की तरफ से सभी दर्शकों एवं पहलवानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चिंज मेला कमेटी हरिंदा विभिन्न स्थानों से आए हुए मेहमानों का एवं पहलवानों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। सभी पहलवान भाई जो इधर उधर बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ मंच के पास अपने अपने नाम दर्ज करवा दें ताकि कुश्ती के लिए जोड़ियां बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जा सके। तो एक बार पुनः छिंज मेला कमेटी रिंडा की तरफ से सभी मेहमानों दर्शकों एवं पहलवानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। जी के द्वारा हमारे जो भोली भाई हैं उनके द्वारा अखाड़े की पूजा की जाए। ये तय करते हैं कि ये हमारा आयोजन सुख शांति से संपन्न हो, किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना आए। ये हम लगता से सभी जो पहलवान भाई हैं हम उनके लिए प्रेम करते हैं कि वो अपना बेस्ट बेस्ट खेल दिखाए और कुश्ती में किसी भी तरह की किसी को कोई चोट या करे। तो एक बार कुश्ती शौकीन भाइयों का ग्राम पंचायत रिंडा के सिमली के इस मैदान में छिंज मेला कमेटी सिमली की तरफ से आप सभी का यहां पधारने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस समारोह के हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री ज्ञानचंद शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सभी कमेटी मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो मेला कमेटी के प्रधान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री ज्ञानचंद शर्मा जी को टोपी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। और बैच सेरेमनी में बैच लगाकर सम्मानित किया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय जी को।
पार्टी के सभी सदस्यों के द्वारा धन्यवाद सर। मुख्य अतिथि महोदय से कि वो विधिवत रूप से इस मेले का रिबन काटकर विधिवत रूप से इनॉग्रेशन करें सर। हमारे आज के जो मान्य सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय से महोदय जी ने अपनी नेक कमाई से इस छिंज मेला कमेटी को 10,000 रुपए की राशि जो है वो सहयोग से जोरदार तालियां, बहुत बड़ी राशि होती है। इस मेला कमेटी को 10,000 रुपए की राशि जो है वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ज्ञानचंद शर्मा जी द्वारा भेंट की गई है अपनी नेक कमाई से। लगदाता पीर इनकी कमाई में, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, ताकि ऐसे ऐसे महानुभावों के होने से ही इस प्रकार के जो मेले हैं उनका आयोजन सफल होता है। क्योंकि किसी भी आयोजन के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पैसों का। तो ऐसे ऐसे महानुभाव अगर इस क्षेत्र में हैं, तो मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करूंगा कि वो इनकी नेक कमाई में और इनकी उम्र में बरकतें अदा फरमाए। धन्यवाद सर। अब श्री राजकुमार जी उप प्रधान छिंज मेला समिति रिंडा पंचायत श्री तेजेंद्र भी गुजारिश करूंगा कि जो भी उनका आगे का कार्यक्रम है में उसका शुभारंभ कर सके। जो भी पहलवान आए हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो अखाड़े के पास आ जाएं। सम्मानित किया जा रहा है डीपी श्री डीपी चनेट श्री कमलेश जी को उप प्रधान बिंदु। बच्चे जो आज के इस मेले की पहली कुश्ती करना चाहते हैं, आ जाओ बच्चों। ग्राम पंचायत रिंडा के श्री रविंद्र कुमार जी दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर इन दोनों बच्चों को उचित इनाम जो है वो कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। जो पहलवान जीतेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो हारेगा उसको कम पैसे मिलेंगे, पर दोनों मिलेंगे दोनों को। और जो पहलवान यहाँ वहां खड़े हैं वो अखाड़े में आ जाएं। अगर एक बार हमारी कुश्तियाँ शुरू हो गई और पहलवान लेट आते हैं तो उन पहलवानों की कुश्ती हम नहीं करवा पाएंगे, इसलिए समय रहते अभी से अखाड़े के पास आ जाए पहलवान। आओ बच्चे, बढ़िया जोर लगाना है। ये जो कुश्ती चल रही है ये रोहित और अभिषेक के बीच में। हमारे बीच पधारे हुए बीडीसी मेंबर प्रथा
श्री गुलाब नबी जी को बैट लगाकर सम्मानित करेंगे। बीडीसी मेंबर प्रोथा पंचायत जो साहू के साथ है, बहुत अच्छा दंगल ये करवाते हैं प्रोथा के अंदर। श्री सुरेंद्र कुमार जी हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान है, ये देश की सेवा करते करने के साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में भी अपना भरपूर योगदान देते हैं, वो बैच लगाकर सम्मानित करेंगे श्री मुश्ताक अहमद जी को जो प्रोथा ही पंचायत से यहाँ पधारे हुए हैं। गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो मेले होते हैं ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं और इलाके की शांति के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन सालों से होता आया है और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए आज की ये पीढ़ी कैसे इसको आगे लेके जाना है, ऐसे ऐसे महानुभावों से ऐसे ऐसे महानुभावों के मार्गदर्शन में अगर देखेगी तो आने वाले समय में भी इन मेलों का वजूद बचा रहेगा। 1000 रुपए का योगदान उन्होंने मेला कमेटी को दिया। किशन चंद रिंडा से 1000 रुपए का योगदान उन्होंने मेला कमेटी को दिया। किशोरी लाल द्वैर से 1000 रुपए का योगदान, भोलू रिंडा से 1000 रुपया, देशराज द्वारू नगोड़ी से 1000 रुपया, सोनू रिंडा 1000 रुपया, राम प्रसाद शास्त्री रिंडा से 1000 रुपया से 1000 रुपया, संजीव कुमार धनेई जीतू सुदर्शन कुमार रिंडा 1100 रुपया, सुनील कुमार शर्मा द्वैर से 1000 रुपया, ब्रिजलाल राम मिस्त्री सिमली से 1000 रुपया, मास्टर रुपया तिलकराज सर, सुनील कुमार शर्मा ठेड़ा 1000 रुपया, श्री मालको शर्मा जी चंबा हलचल के हमारे साथी जो लगभग हर हर छिंज मेलों में अपना योगदान देते हैं और कुश्तियों का संचालन जहां जहां होता है वहां की ये रिकॉर्डिंग करके अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको बैच लगाकर सम्मानित करेंगे श्री मालको शर्मा जी। कुश्तियां हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में आज का ये दंगल शुरू होने जा रहा है। कुछ पहलवान यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ स्थानीय, कुछ चंबा के, कुछ चुरा के बहुत अच्छे अच्छे जो पहलवान हैं वो भी इस दंगल में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, जो अभी भी बाहर अखाड़े के घूम रहे हैं उनसे अनुरोधों के नाम लिखा दे ताकि समय से हम जो है वो कुश्तियाँ शुरू कर सके। योगदान जो है वो मेला कमेटी को देना चाहे तो यहाँ मंच के पास श्री तिलकराज शर्मा जी मौजूद हैं, इनके पास जो है वो अपनी नेक कमाई से
आज की पहली कुश्ती सन्नी कुमार भरमौर हाथों पर करें और योगी चंबा दोनों पहलवान जो है वो कुछ खाया भी है भी करें और अगले साल बिल्कुल हट्टे कट्टे होके पहुंचना है यहाँ। दूसरी जोड़ी बिल्कुल तैयार है, पवन बिल्कुल मिंटू चंबा एकदम से तैयार है, मुकेश बजेगढ़ विशाल कुमार सुल्तानपुर। पहलवान जी आप भी अगले साल ठीक ठाक दूध पी के आना। राकेश चंबा, राबे चंबा, विनोद साहे, राधे चंबा, विनोद साहू, ललित कुमार पघेकर, सुनील चंबा, ये सारी जोड़ी थी। बालाजी वो मंच के पास आ जाएं, श्री तिलकराज शर्मा जी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ विशाल सुल्तानपुर मंच के आगे खड़े हैं। हेलो, थोड़ा सा इस तरफ हो गया रोहित मंडल। लो लो जी, बर्सी ले लो बर्सी। इनके साथ अभिषेक चंबा, चलो बोलो जी। लक्की तीसरा राकेश चंबा तैयार रहे जी, ललित कुमार पघेकर, सुनील चंबा, रवि चंबा, विनोद साहू, तीनों जोड़ी तैयार रहे।
गई जी। लकी तीसा राकेश चंबा, कौन से परवान है राकेश? ललित कुमार पगईगढ़, सुनील चंबा, रवि चंबा, विनोद साहू, ये दोनों जोड़ियां और तैयार हो जाओ। श्री मनोज कुमार जी साहू वाले आगे मंच पे आ जाओ। मनोज कुमार जी, याद आ रही है आपकी बड़ी? ये जी लक्की कुमार तीसा लाल रंग के जांघिए में, राकेश चंबा काले रंग के जांघिए में। ये सारे पहलवान जो है वो दुबले हैं या इन्होंने बॉडी बॉडी वाले? मंच के पास आ जाएं। श्री रिंकू जी ड्राइंग मास्टर, इनको श्री तिलकराज जी बैट लगाकर सम्मानित करेंगे। पगईगढ़ सुनील चंबा, अनु कुमार साज, हुसैन अली साहू तैयार हो जाएं। शिवा माइकाबाग, संजीव कुमार ओबड़ी, ये जोड़ी भी तैयार हो जाए। शिवा माइकाबाग, संजीव कुमार ओबड़ी, ये दोनों जोड़ी तैयार हो जाए। इनके साथ हुसैन अली साहू मेला कमेटी को अपनी नेक कमाई से देते हैं। मैं मेला कमेटी की तरफ से श्री परशुराम जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। अनु कुमार दास, हुसैन अली साहू, अगली कुश्ती शिवा माई के बाद संजीव कुमार ओबड़ी तैयार रहेगी।
जाकर सम्मानित करेंगे राजन को, विक्की जी सम्मानित करेंगे श्री राजन जी को। श्री इंद्र कुमार जी से ही जहाँ पे मेरी आवाज सुनो मंच के पास आ जाए, श्री इंद्र कुमार जी से ही सहयोग राशि अपनी नेक कमाई से मेला कमेटी को योगदान देते हैं। मैं कमेटी की तरफ से श्री रिंकू कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। तोलिया टोल बजाइया। जबरदस्त डाल रहे हैं, चलो अपने दाव में फंस गया भाई। तो शिवा माई का बाग संजीव कुमार रोबड़ी, शिवा भाई तू दाँत पीना की बार है। प्रधान द्वारा 1000 रुपए की सहयोग राशि जो है वो मेला कमेटी रिंडा पंचायत को दी गई है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से कुर्था कमेटी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। 1000 रुपए की राशि छिन्न मेला, तालियां तूलियां तो बजा दो। छिन्न मेला कमेटी कुर्था के प्रधान जी द्वारा 1000 रुपए की राशि मेला कमेटी को सहयोग स्वरूप दी गई। गीत माई का बाग और सफेद रंग के जांगे में अश्विनी कुमार लील, एक अच्छी कुश्ती आप लोगों के सामने। बढ़िया कुश्ती करना बलवान जी, दोनों पुराने हो गए अब।
कमेटी को देते हैं। मैं रिंकू जी का धन्यवाद करता हूँ। सुप्रिंटेंडेंट से 200 रुपए की सहयोग राशि मेला कमेटी को देते हैं। मैं कमेटी की तरफ से उसका सलूणी सुनील कुमार दबड़ा ये तैयार रहे जी। पानी वाले नीरज जी, पानी वाले अगली जोड़ी के लिए पवन परोड़ी शरीफ चंबा अकबर लुधियाना पवन श्री शिवराम जी अश्विनी लील ने एक अच्छी कुश्ती कर। इसके बाद तैयार रहेंगे पवन बरोड़ी शरीफ चंबा पर्ची दे पर्ची। हमारे बीच में दो बहुत ही के बीच में पहुंच चुके हैं। अखाड़े की सलामी के लिए बुलाना चाहूंगा मैं सोना अमृतसर टोली टोली सोना अमृतसर अच्छे पहलवान जो है वो इस रिंडा पंचायत में भी कुश्तियों का जोर दिखाने के लिए पहुंचे हैं। हैप्पी डे बैच लगा कर सम्मानित करेंगे। चलो जी श्री शिवनाथ जी पिरोल्डी वाले श्री जोर दिखाया धर्मेंद्र बगेकर जुगेंद्र भाई चंबा हलचल से इन इन यादगार लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए इन कुश्तियों का पुनः प्रसारण आप अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से आज रात को कल दोपहर को और कल शाम को भी पुनः अपनी पंचायत के इस दंगल को आप चंबा हलचल चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। चलो पवन बरोड़ी
मेरी माताएं बहनें भी आज के इस जंगल का लुत्फ ले रही हैं, आनंद ले रही हैं। एक बार तो सुनील कुमार ने छिंदा पहलवान को भी चित किया हुआ है। हाँ जी, जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेला कमेटी में भी अपना योगदान देते हैं, उनका भी मेंबर है ये। तन मन धन से देते हैं और बाद में पूरे खून पसीने से यहाँ देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने छिंदे को रहा होते थे। उस लड़के का नाम छिंदा ही था। वाह यार सुनील कुमार, रोड का लाभ के लिए दूसरी तरफ पवन करोड़ी रोहित चंपा बढ़िया कुश्ती कर रही है। पवन और शरीफ की अगली कुश्ती की अकबर जाना बहुत अच्छी ढोल की थाप का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मेला कमेटी की तरफ से ये लाली ढोल वाले का भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ढोली वाले मेरे भाई, समय से हमारे बुजुर्गों के समय से इलाके की शांति के लिए, इलाके की तरक्की के लिए ये मुसीबत आपदा आती थी तो लगदाता पीर जो है वो उस इलाके की रक्षा करते थे। उसी लगदाता के नाम का दंगल जो है वो न केवल जिला चंबा में बल्कि पूरे भारत वर्ष में जो लगदाता के नाम के दंगल करवाए जाते हैं। लगदाता हम सब की कमाई में एक बरकत दे, और देखो पैसा सारे कमाते हैं लेकिन सेवा लगदाता उसी की देते हैं जिसकी कमाई नेक होती है, उसकी सेवा लेते हैं। तो जो मेरे महानुभाव अपने इस दंगल को, अपने इस इलाके के मेले को ऊपर ले जाना चाहते हैं वो जरूर इस मेला कमेटी का सहयोग करें। बहुत एनर्जी है इस मेला कमेटी में, इनको शौक भी है कि इस मेले का ऊंचा नाम हो जिला चंबा में। तो दिन दूर नहीं जब आप लोगों के सभी के सहयोग से साल में एक बार अगर आप अपना तन मन धन से मेला कमेटी को योगदान देंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पे कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पे लोग ना बैठे होंगे। इतने बड़े बड़े पहलवान आएंगे, इतने बड़े बड़ा जो वो लोग यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो सभी इस पंचायत के सभी लोगों के सहयोग से संभव है। आशीर्वाद दे अपने 10 लाखों की कमाई से लगदाता के नाम पे अपना श्रम दान तन मन धन से जरूर सेवा करेंगे बेटी की। चल बैठो लिया Yeah.
इनको सम्मानित करेंगे सुनील कुमार जी, सन्नी सन्नी के लिए मुकाबला लड़ा था, बहुत अच्छी कुश्ती करते हैं सोमराज बिसोली वाले। काफी देर होगी तेरे कुश्ती नू शरीफ ते पाबंदी ग्राम रोजगार सेवक सहायक। ये जो कुश्ती आप लोगों के सामने आ रही है नीले रंग के जांगिये में अकबर लुधियाना और लाल रंग के जांगिये में पवन साहू। आजकल ये लड़का जोर कर रहा है ललिया खाना पंजाब में, तो बढ़िया जान भी बनाई है पवन ने। अब देखते हैं कि कुश्ती का रिजल्ट क्या आता है। अकबर और पवन, दूसरी तरफ पवन और शरीफ। जी कुश्ती का मजा नहीं आ रहा पवन और शरीफ की। ये आप लोगों को पवन और शरीफ की कुश्ती का मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ना? देख ले पवन, किसी को मजा नहीं आ रहा तेरी कुश्ती का। थोड़ा कुश्ती को तेजी दे दे ताकि लोगों को मजा आए। और साफ और याद रखे कि रिंडा के ग्राम पंचायत रिंडा के इस मानसिंह थिएटर स्टेज के पास आ जाए। इनको सम्मानित करेंगे अनु रिंदा अनूप कुमार रिंदा। कुश्ती तेज होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। देखो पहलवानों को ये जो धनराशि दी जाती है ये लोगों की ये कुश्ती पवन सुनील तीसा लक्की परोड़ी सुनील तीसा लक्की परोड़ी सुनील बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ी पवन ने। अकबर और पवन की कुश्ती भगवान जी मुंह मांगी नामी राशि आपको मिलेगी। कुश्तियां बढ़िया होनी चाहिए, कमेटी को कहीं भी नहीं लगना चाहिए।
सुनील बरोड़ी। लक्की बरोड़ी पहलवान बच गया, उसकी कुश्ती चेंज कर देंगे। जो हारा हुआ पहलवान है उसको नहीं मिलेगा। हाँ जी, लक्की बरोड़ी सुनील केसा। हाँ जी, संजय कुमार रिंडा पुलवानजी कौन से आज पुलवानजी संजय कुमार रिंडा अजय कुमार पगेगर आज पुलवानजी गुलाब चंबा राजेश कुमार दबड़ा है ना। काफी देर से कुश्ती चल रही है, कुश्ती का मजा बिल्कुल नहीं है। देखो पहलवान जी पसीना नहीं आया इतनी देर हो कुश्ती करते हुए। कुश्ती जरा बढ़िया करो ताकि लोगों को आनंद आए। और मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी नूरा कुश्ती यहाँ नहीं होगी। कमेटी बड़ी तीखी आती है। इतने दूर से आई है पैदल चल चल के, तैयार होके आए इतने दूर से। सुबह से ही उन्होंने जो अब खेतों के घरों के काम कर लिए।
पहलवान ध्यान दें, सन्नी भरमौर मुकेश बघेलगढ़ ये दोनों पहलवान तैयार हो जाएंगे। सन्नी भरमौर मुकेश बघेलगढ़ मित्तू अच्छला ते लक्की तीसरा ये दोनों जोड़ी तैयार हो जाएगी। सन्नी भरमौर मुकेश बघेलगढ़ ओबड़ी सुनील कुमार दबड़ा है, रोहित रोहित माइकाबाग ललित बघेलगढ़ ये चारों जोड़ी तैयार हो जाओ, ये चारों जोड़ी दूसरा राउंड है कि पहले ये पहले दिन चलती पहले ये सेकंड राउंड सुनील कुमार दबड़ा है। अच्छा वही वाला छिंदे पहलवान वाला, हाँ जी हाँ जी आ जाओ पहलवान जी लंगोट तो पा लो। चलो रोहित माइक बात ललित नीले रंग के जंगी में ललित बघेलगढ़ लाल रंग के जंगी में इसके बाद अश्विनी कुमार लील राजेश धबड़ा
के जांगिए में। हमारे बीच में श्री महाराज कृष्ण बड़ियाल जी और श्री योगेंद्र शर्मा जी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं कमेटी की तरफ से योग हारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं धीरू भाई का भी यहाँ पधारने पर मेला कमेटी रिंडा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इंद्र शर्मा जी, श्री महाराज कृष्ण बड़ियाल जी, श्री धीरज बड़ियाल जी, श्री चमन शर्मा जी मंच पर आदरणीय लोग जो है विराजमान है। मैं ग्राम पंचायत रिंडा की तरफ से, मेला कमेटी की तरफ से इन सभी महानुभावों का यहाँ पधारने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुजारिश करूंगा कि वो जिला कुश्ती संघ चंबा के प्रधान श्री महाराज कृष्ण बड़ियाल जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। श्री तिलकराज जी और वर्तमान में जिला कुश्ती संघ चंबा के प्रधान श्री महाराज कृष्ण बड़ियाल जी को सम्मानित। मंच की मर्यादा होती है तालियां। सम्मानित किया जा रहा है श्री तिलकराज जी के द्वारा। पूर्व महासचिव भाजपा और वर्तमान में धन्यवाद सर। सम्मानित करेंगे पूर्व पार्षद श्री योगेंद्र शर्मा जी को। टोपी प्रधान सम्मानित करते हुए श्री योगेंद्र शर्मा जी को पूर्व पार्षद। बहुत योगदान होता है श्री योगेंद्र शर्मा जी का भी। कहीं पे भी किसी प्रकार के सामाजिक कार्य हो, तत्पर रहते हैं हमेशा लोगों की सहायता के लिए। मंच की मर्यादा होती है तालियां। हटनाला वार्ड से पार्षद हैं श्री धीरज बड़ियाल जी। युवा चेहरा, बहुत कर्मठ है अपने काम के लिए। संजीव और सुनील चंबा को टोपी पहनाकर और बैच बनाकर सम्मानित किया जा रहा है। जी बोला लेता ये तालियां तुली नहीं बजा। ये तो यहाँ का स्थानीय लड़का है। ये इसने छिंदे पहलवान को आया हुआ है। भाई साहब, मैंने आपको पहले बोला था ये बड़ा भारी बड़ा बलवान है। ये देखो डोली भाजी मस्त हो गए। होया विश्वास है ना? हाँ छिंदा रहा नहीं।
ਇਹੀਆ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪਵਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਕਿਨੀ ਕਾਰਨੋਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੇ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਯਹਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋ 5,100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 2,000 ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਜਾ ਦੋ ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਕਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਆਏ ਹੈ ਉਨਕਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਨੇ ਆਨੰਦ ਲੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਏ ਬਹਿਨੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੇ ਕਿ 19 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਚੰਬਾ ਚੌਗਾਨ ਮੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕੇਸਰੀ ਦੰਗਲ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਚੰਬਾ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਪ ਸਭੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਤਾਏ ਬਹਿਨੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਚੰਬਾ ਕੇ ਸਥਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਥੋੜੇ ਠੰਡ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਇਤਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਤਨੇ ਕਾਮ ਕਾਜ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ 5,100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਕਾ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦਿਲ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸਥਾਨੀ ਜਨਤਾ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਦਿਲ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਭੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਯਹਾਂ ਕੀ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਸਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਜਾਈਏ
कॉम्पिटिशन आई है उसको अलग से नाम मिलेगा। हाँ तो फिर वो भाई भाई जो भी डाले ऊपर वाले। हाँ ये देखो भाई साहब मेला कमेटी को देते हैं। मैं दिल की गहराइयों से विक्की भाई का धन्यवाद करता हूं और लगदाता पीर से अरदास करता हूं कि वो विक्की भाई की नेक कमाई में बरकत दे। समय दिया गया है। कुश्ती का फैसला तो हमें चाहिए, चितपट का फैसला। सोना पहलवान के लिए मैं बताऊं कि आज से लगभग 10-12 साल पहले जब ये पहली बार चंबा में आए थे तो इन्होंने दशहरा केसरी दंगल का खिताब भी जीता था। सुरंगानी में दिल्लू पहलवान के साथ इनकी रहमत अली रहमत
हयात अली पहलवान के साथ इनकी फाइनल मुकाबला हुआ था, उस समय के ये पहलवान है। अभी भी उन्होंने अपनी उम्र को अपने खेल पे हावी नहीं होने दिया है। अब देखते हैं कुश्ती का रिजल्ट क्या आता है। श्री संसार चंद जी हेडमास्टर गोल्डी स्कूल। हाँ जी, की हो गया जी? अच्छा अच्छा, मैं कह रहा बस जा रही होगी। श्री संसार चंद जी रहेंगे अकबर लुधियाना सोमराज बसोली, तैयार रहेंगे जी अकबर और सोमराज। चलो जी पहलवान जी, बढ़िया कुश्ती करनी है। इसके बाद पवन बरोड़ी अनुसाच, ये जोड़ी तैयार रहे। कोई भी है उसका नुक्ता चीनी या ना करे, वो मीटिंग में जो बताएंगे गलती भी कमेटी वाले बोलेंगे तो सभी बोलेंगे। जो इन लड़कों ने नुक्ता चीनी नहीं करेगा। देखो ये मेले होते हैं आज रात को, कल और परसों, तीन दिन देख सकते हैं जी। लक्की और विनोद वो छिंदे में आ रहा मुंडा कुदे क्या बोला से। बहुत बढ़िया, मार दे
हम काल मारने तो ही
फाइनल के लिए पवन बरोड़ी सुनील दबरेर ये जोड़ी तैयार रहे। छोटी माली का पहला सेमीफाइनल पवन बरोड़ी सुनील दबरेर और राजेश के साथ इनमें से जो पहलवान जीत के आएगा उसकी कुश्ती होगी छोटी माली के लिए। सेमीफाइनल है ये, इन पहलवानों से जीत के जो जाएगा वो आगे जाके फाइनल में पहुंचेगा। उसके बाद बड़ी माली के लिए फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए अकबर चंबा धर्मेंद्र बगेगर फर्स्ट सेमीफाइनल। दूसरे सेमीफाइनल के लिए हैप्पी डेरा बाबा नानक सोना अमृतसर सेकंड सेमीफाइनल। इन दोनों में से जो जीत के आएगा वो जोड़ी फाइनल। डर मत पवन का। अगली जोड़ी के लिए राजेश दबड़ा विनोद साहू ये तैयार हो जाए सेकंड सेमीफाइनल के लिए छोटी माली के। चलो जी अकबर चंबा धर्मेंद्र बगेगर चलो जी बड़ी माली का पहलगा बहुत बढ़िया।
आमने सामने अपनी हार मान ली और हैप्पी डेरा बाबा नाना फाइनल में पहुंच गए हैं। उनके साथ इनमें से जो जीत के आएगा उनका फाइनल मुकाबला होगा बड़ी माली के लिए, और छोटी माली के लिए छोटी माली का दूसरा सेमीफाइनल। इनके साथ लाल रंग के जंगे में विनोद साहू। श्री प्रेमलाल जी, हम बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मंच के पास आ जाएं। बढ़िया कुश्ती चल रही है, बहुत बढ़िया।
स्पेशल और कुश्ती रशीद और अजय। कुश्तियां तेज करनी है, बस हारा नहीं आना करना कुश्ती को। यांत्रिक मंडल के प्रधान श्री खेमराज जी, प्रेमलाल जी, यांत्रिक मंडल के प्रधान श्री प्रेमलाल जी 500 रुपए की सहयोग राशि मेला कमेटी को देते हैं। मेला कमेटी की ओर से इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ऐसे महानुभावों के आशीर्वाद और सहयोग से ही इतने बड़े बड़े मेले जो है वो आयोजित किए जाते हैं। चलो एक तोलिया। मेला कमेटी को देते हैं। बड़े 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 मशहूर है सहयोग करने के लिए 500 रुपए की धनराशि श्री सुधीर कुमार शर्मा जी PWD करौली से वो मेला कमेटी को देते हैं। मेला कमेटी की ओर से मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उनको भी उनके कर्म मुक्त बड़ी देर से बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं श्री गुरुदेव लाला जी का, वो भी कृपया मंच के पास आ जाए। श्री गुरुदेव लाला जी करौली से उनके मुक्त राजेश जी रिकॉर्ड लगा लो। छोटी माली का फाइनल राजेश और कमल बरौड़ी के बीच में, फिर से ये लंबा का पंगा और स्पेशल कुश्ती नहीं होगी कोई। आज के हमारे दोनों छोटी माली और बड़े माली के फाइनल मैच होंगे। दो मिनट बाकी है जी इस कुश्ती के, उसके बाद कुश्ती जो है कोई नहीं रहेगी। महाराज कृष्ण बड़ियाल जी, श्री योगेंद्र शर्मा जी, सूरज बड़ियाल जी और श्री चमन जी से बहुत बढ़िया मुकाबला, कांटे का मुकाबला हुआ धर्मेंद्र। लेकिन कुश्तियों का जो प्रदर्शन है वो एक अलग चीज है। मान लो
लो तो हार और ठान लो तो जीत, दिन रात चलो। सभी मेला कमेटी के मेरे मेहमान यहाँ आए, जिनके ये छीन मेला पंचायत रिंडा का छोटी माली का फाइनल मुकाबला पवन बरोड़ी राजेश धुबरा के बीच में, जिसे आशीर्वाद देते हुए जिला कुश्ती संघ चंबा के प्रधान श्री महाराज कृष्ण बड़ियाल जी, श्री पूर्व पार्षद श्री योगेंद्र शर्मा जी, वर्तमान पार्षद श्री धीरज बड़ियाल जी, श्री चमन जी और पूरी मेला कमेटी जो है वो एकत्रित होकर
इस हिंडा पंचायत की बड़ी माली का मुकाबला हैप्पी डेरा बाबा नानक और धर्मेंद्र भगेकर के बीच में मैं आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ज्ञानचंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर और उनके साथ सभी कमेटी मेंबरान और हमारे जो जितने भी गैस देख करके इतना बढ़िया मेला यहाँ आयोजित चलो जी आज की रिंडा पंचायत की छिन मेला का ये फाइनल मुकाबला हैप्पी डेरा बाबा नानक और धर्मेंद्र भगेकर के बीच में आशीर्वाद देते हुए हमारे रिस्पेक्टेड माननीय सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय श्री ज्ञानचंद शर्मा जी Thank you.
माता का जयकारा लगाएंगे। ऐसे ही रहमत जो है वो लगता था हमारे पे बनाए रखे। इस कमेटी के सभी इनकी कमाई में और इनके उम्र में राजगी तो फरमाए। अब मैं राजेश कुमार जी इस बुढ़िया जी से कि वो बीजेपी ये देते हैं छोटी मालिक के। ये है छोटी मालिक के उपभोजता राजेश घबरा, इनको सम्मानित किया। अब छोटी माली के विजेता पहलवान पवन बरोड़ी मुंडी बरोड़ी इनको इनामी राशि देके सम्मानित करते हुए श्री महाराज कुसुम बड़ियाल जी, तिलक जी, श्री दीपू भाई, हमारे दूसरे जो रेफरी थे संसार चंद जी, बहुत बढ़िया योगदान उनका भी रहा। सारी कमेटी आए, आप लोगों ने ये मेला बना दिया है, ये छीन से मेला बन गया है। छोटी माली के उप विजेता पहलवान धर्मेंद्र बघेलगढ़ पहले आए, सर बड़ी माली के श्री ज्ञानचंद शर्मा जी, उनको इनामी राशि देकर सम्मानित करते हुए धर्मेंद्र बघेलगढ़, ये बड़ी डेरे बाबा नानक, बड़ी माली के विजेता पहलवान जी। हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे श्री तेजेंद्र विक्रम जी का, जिन्होंने बहुत और जितने भी यहाँ पे दर्शक दूर दूर से आए हुए थे, दुकानदार भाई जिन्होंने यहाँ दुकानें लगाई, और पूरी यहाँ की पंचायत को मुबारकबाद देता हूँ। बढ़िया रेफरीशिप यहाँ की, और मेले का समापन बिल्कुल जैसा कि बेटी चाहती थी वैसे ही जो हम धन्यवाद करते हैं दोनों रेफरी को, करता हूँ जिन्होंने हमारा मेला कमेटी को सुचारू रूप से चलाने और हमारा सहयोग देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और जो भी हमारे ज्ञानचंद शर्मा जी मुख्य अतिथि और अपने बड़ियाल जी शर्मा जी जन्म जी उनके साथ है, अपने डीपी जी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। डीडी सर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ दूसरा साल, अब दूसरा ये दूसरी में हुए हैं, तो अगले साल शायद कुछ और हम तरक्की करेंगे। ऐसा ही मेरी कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी मेहनत मेरे साथ करेंगे, तो मैं भी दिन रात तैयार रहूंगा, और आगे के लिए अगर मेरी कमेटी के सदस्य चाहेंगे तो हम मेला और बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इसमें कोई कमेटी के सदस्य कुछ विचार रखना चाहे तो बहुत खुशी की बात है। ज्ञानचंद शर्मा जी का मैं एक बार फिर मुख्य अतिथि के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री आजम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने ये बड़ियाल जी और अंत में मैं भूल गया हमारे स्थानीय विधायक तेज प्रताप नेता पवन नैयर जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शिमला में अर्जेंट मीटिंग होने की वजह से भी वो नहीं आ सके, मैंने उनकी मिसिज को भी फोन किया था, अगर वो होते तो वो भी आ जाते, मगर दोनों का शिमला में कोई जरूरी मीटिंग के कारण जाना पड़ा। उनके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और उनसे आगे के लिए गुजारिश करूंगा कि इस ग्राउंड को देखें और हमारे साथ सहयोग बनाए। छिंद मेला 2018 रिंडा पंचायत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, पूरी कमेटी पूरी पंचायत बधाई की पात्र, सभी लोग यहाँ के जिन्होंने सहयोग दिया अपना तन मन धन से, उनका मैं पूरी कमेटी की तरफ से और खासकर जोगिंदर भाई का चंबा हलचल के माध्यम से इन तुष्टियों का पुनः प्रसारण जो है वो अपने टेलीविजन चैनल पे देखेंगे, पुनीत जी का, जोगिंदर जी का, और पूरी इनकी टीम मीडिया की टीम का, और हमारी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुलिस बंधु सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।